सभी को जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि आपने वादा किया था कि सिलेक्टेड हैं तो आप लोगों की सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उसी सीरीज में सिलेक्शन सीरीज में ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11 आप लोगों के साथ लेकर के आए। इससे पहले 10 नंबर क्लास जो हुई थी उसमें 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे। अगर जो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आज 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर जो इससे पहले वाली क्लासेस नहीं की तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप तो उसको जरूर विजिट करिए। और पॉलिटी और हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसा कि हमने वादा किया था कि हिंदी, पॉलिटी और ज्योग्राफी की जिम्मेदारी हमारी है, तो ये तीनों सब्जेक्ट हम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या मिलने वाले। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो एक ग्रह होता है, जैसे आप लोगों का ये ग्रह है तो ये सूर्य है, तो इसकी अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसकी अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है आप लोग बताइए। त्रिज्या, अपसौर, उपसौर और अपोजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? पहले अधिकतम दूरी पूछी थी और अब न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो ये आप लोगों की आशा करते हैं दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारामंडल में कुल 91 या 79 या 89, इसको 89 कहते हैं, 91, 89। चलते हैं नेक्स्ट। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है उल्का, धूमकेतु, ये सभी या अभिनव तारा? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का जो अभिनव तारा है ये विस्फोटी तारा कहलाता या कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी एक ग्रह, शुक्र एक ग्रह, चंद्रमा एक ग्रह या उपग्रह, चंद्रमा उपग्रह या सूर्य है ये तारा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 8 मिनट लेता है, 3 से 8 मिनट, इसमें उल्टा दिया है तो आपको देखिए। उसके बाद सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आप लोगों का राइट आंसर देगा वरुण, जो वरुण ग्रह है वो तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आप लोग पहले से ही पता था बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएँ किस ग्रह में होती हैं? तो आप लोग का बुध ग्रह है जो उसमें चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, बुध सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बुध, जो बुध ग्रह है या अत्यधिक तीव्र ग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा उपग्रह है, तो उसके बाद आप लोगों का शुक्र और बुध, जो इनके दो ग्रह, जो ये दो ग्रह हैं
इनके उपग्रह नहीं हैं। उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? जो शुक्र ग्रह है इसको शाम का तारा कहा जाता है। तो आप लोगों के यही 15 क्वेश्चन थे, और इससे पहले की क्लास में 15 क्वेश्चन हुए थे, तो 15-15 मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। जो आपने 30 क्वेश्चन नहीं किए तो उसको भी कर लीजिए, इससे पहले जो 9 क्लास कराई गई हैं तो उनको भी कवर कर लीजिए। और सारी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना, चाहे हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है तो टाइम से ध्यान रख के अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो आशा करते हैं लोग क्लास पसंद आई, तो क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।